हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थी लाइफ। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है एंटी कोल्ड टैबलेट। जानेंगे आप अपने किन किन समस्याओं में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर ज़्यादातर किन किन दिक्कतों को दूर करने के लिए इस टैबलेट को यूज किया करते हैं जानेंगे। फ्रेंड्स बता दूँ, इसे लेक्सस कंपनी बनाती है और इसका नाम कफ मोल्ड P500 है। कंपोजिशन के रूप में इस टेबलेट में पैरासिटामोल पाया जाता है, फेनिलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, साथ में क्लोरफेनिरामाइन मिलेट पाई जाती है। इसके प्रत्येक टेबलेट में पैरासिटामोल की मात्रा 500 mg, फेनिलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा 5 mg और क्लोरफेनिरामाइन मिलेट की मात्रा 2 mg पाई जाती है। अब इसकी यूजेज की बात करें कि आप किन किन समस्याओं में इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत है तो एंटीबायोटिक टेबलेट के साथ में इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। निमोनिया की शिकायत को दूर करने के लिए, सीने में कफ बनने पर उसकी शिकायत को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर में होने वाले दर्द, बदन में होने वाले दर्द, हाथ पाँव में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आपको गले में खराश है और बार बार छींक हो रही है तब भी एंटीबायोटिक टेबलेट के साथ में इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। निमोनिया को दूर करने के लिए, स्नोफिल की मात्रा को कम करने के लिए, यदि स्नोफिल बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक टेबलेट के साथ में इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड की शिकायत में मुख्य रूप से डॉक्टर अन्य दवाइयों के साथ में इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बात करें डोज के बारे में तो एडल्ट यानी बड़े लोगों में सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक एक टेबलेट ले सकते हैं। वहीं बच्चों में वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर डोज तय करते हैं, बताते हैं। डोज हमेशा डॉक्टर के बताए अनुसार ही लिया करें। बात करें प्राइस के बारे में तो 10 टेबलेट की प्राइस 40 रुपये है और इसकी रिजल्ट की बात करें तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को जरूर से मिलेगा। इस टेबलेट से होने वाले साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ज़्यादातर आपको किसी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी इसे लेने के बाद पेट में एसिड की समस्या, जलन की समस्या या वोमिटिंग की शिकायत हो तो टेबलेट को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।